अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने घर पे अच्छे से होंगे, तो खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, दैट इज़ ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिसेंटली आपने नोटिस देखा होगा जहाँ पर ये मेंशन किया गया कि इस बार जो है रिजर्वेशन पॉलिसी जो है अप्लाई होगी, सीट मैट्रिक्स में जो है उसका एप्लीकेशन होगा। और इस तरीके से ST की जब रिजर्वेशन होती है वो होती है 20%। तो ये क्लियरली उसमें मेंशन किया गया जो आपने रिसेंटली अभी नोटिस देखा होगा। सो उसी पर उसको अब इतना ज़्यादा क्लियर तो हो गया, अब इसीलिए मैंने जो अभी सीट मैट्रिक्स तो JK Bobby की तरफ अभी जो है वो रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि क्या हमारा सीट मैट्रिक रह सकता है, कि किस तरीके से सीट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी अमंग द वेरियस कैटेगरीज इन द स्टेट ऑफ J&K। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल यस, यू लुकिंग सीट डिस्ट्रीब्यूशन मीन द सीट मैट्रिक सिंपली। सो व्हाट्स इट्स इंपॉर्टेंट नो दैट व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग द सीट मैट्रिक्स। बेसिकली इट हेल्प टू प्रेडिक्ट द कट ऑफ मोर प्रिसाइजली। यानी कि पहले हमें ये पता नहीं था कि रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई होगी नहीं होगी, किस कैटेगरी को कितना शेयर जो है दिया गया था। सो उस वक्त कट ऑफ प्रेडिक्ट करना जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन अब जो है जो कि सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं, सो अब सीट मैट्रिक्स प्लस कट ऑफ प्रेडिक्ट करना जो है बहुत ज़्यादा और ज़्यादा प्रिसाइजली हम हो सकता है और बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। सबसे पहले रिजर्वेशन पॉलिसी का आंसर जो है पहले जो लोगों को नहीं मालूम था, अब जो है उसका आंसर यस आ गया है फ्रॉम द नोटिस। एंड अब इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट्स विल बी द इफेक्ट ऑफ द कट ऑफ फ्रॉम द रिजर्वेशन पॉलिसी। रिजर्वेशन पॉलिसी का कट ऑफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, जो मेरी चैनल पर पहले वीडियोज़ आ चुकी है उसमें जो मैंने कट ऑफ मैंशन किया है, क्या उससे कम होने वाला है या उससे ज़्यादा होने वाला है, तो लेट डिस्कस, मैं बाद में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम सीट डिस्ट्रीब्यूशन, अब जो रिजर्वेशन पॉलिसी या सारा जो स्ट्रक्चर आ चुका है कि कितने परसेंट किसको रिजर्वेशन मिल जाएगी, सो वो सब कुछ जो हमारे सामने अब नोटिस के थ्रू जो है हमें पता चल चुका है। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि किस हिसाब से जो अब सीट्स कितनी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी अमंग द वेरियस कैटेगरीज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओपन मेरिट कैटेगरी के बारे में, ठीक है। सो ओपन मेरिट कैटेगरी की अगर बात करें तो ओपन मेरिट कैटेगरी में एज यूजुअल 50% सीट्स हैं हमारे पास टोटल आउट ऑफ 100% सीट्स। अब लेकिन ये 50% तो वो वाला 50% नहीं है जो आप सोच रहे हैं। 50% में से जो है 30% जो एक्चुअल ओपन मेरिट को सीट जाएंगी, इसमें से बाकी जो 20% है दैट इज़ 10% फॉर द EWS एंड 10% फॉर द हॉरिजॉन्टल। इस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को समझना जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं नीट एस्पिरेंट्स। अब इसको मैं क्लियरली डिटेल में अभी समझाऊंगा। 10% रिजर्वेशन जो है इस बार इसमें JK, PM, CTP सब कैटेगरीज को इन्वॉल्व किया गया, और इससे जो है बहुत ज़्यादा एक तो मेरिट भी है इसका और दूसरा डिमेरिट भी है। वो क्या है दोनों चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा इन द लेटर वीडियो, लेकिन तब तक हम ओपन मेरिट को डिस्कस करते हैं। ओपन मेरिट की अगर हम बात करें तो टोटल 1083 सीट्स में से 15% AIQ को एक्सक्लूड करके 971 सीट्स हैं हमारे पास, ठीक। आउट ऑफ दिस 971 50% जो मैं डिस्कस कर रहा था वो होता है हमारे पास 485, और इस 485 में बात अगर हम करें तो 80 सीट्स आर गोइंग टू EWS। अब बोल रहे होंगे आप 10% तो इसका 48.5 होता है, लेकिन हर 10 बंदे के बाद जो हमारे स्टेट में वो जो है EWS कैलकुलेट किया जाता है। सो टोटल सीट जो इस बार जो EWS सीट्स एज पर माय प्रेडिक्शन इट विल बी 80 सीट्स फॉर द EWS, जिसके हिसाब से हमारे पास ओपन मेरिट्स को जो टोटल सीट जाएंगी उसमें 437 होगा। अब इस 437 में भी आप -10% कर लीजिए, वो बताएंगे आप किसका, तो वो दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, उसके जो 43 सीट्स आप साइड पे कर लीजिए। इसी को हम बाद में अच्छे से डिटेल से आपको मैं समझाऊंगा। सो यहाँ से हमें पता चल गया कि अब जो टोटल रिमेनिंग सीट्स हैं हमारे पास दैट इज 365। सो यहाँ पर आपको कन्फ्लिक्ट होगा कि यहाँ पर 48.5 है या 80 है, तो एज पर माय प्रेडिक्शन इट विल बी 80 सीट्स अगेन इन आवर स्टेट ऑफ J&K एंड टोटल सीट्स विल बी 365, ठीक। आप इस 365 को आप डायरेक्टली हाफ कर लीजिए बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो इसमें जो 182 सीट जो है हमारे पास 365, 182 और 181 सीट, एक सीट इधर उधर हो सकती है, लेकिन टोटल हमारे पास यही सीट जो है रहने वाली है फॉर द बॉयज़ एंड गर्ल्स। और लेकिन इसमें जो है अब आपको एक और चीज़ एक्स्ट्रा है, व्हाट इज़ दैट, कि GMC जम्मू में लास्ट टाइम जो सीट्स थी वो 180 नहीं थी, वो जिन जो टोटल सीट्स वहाँ पर पिछली बार पार्टिसिपेट जो किया था सीट मैट्रिक्स में जो लिखा हुआ था दैट इज़ 172, इस बार प्लस 8 कर लीजिए आप तो टोटल 180 सीट्स होती हैं, तो इसका शेयर जो ओपन मेरिट में भी जाएगा। सो दो या तीन सीट्स का आपको इसमें इंक्रीज देखने को मिल सकता है। इस तरीके से ओपन मेरिट्स की जो टोटल सीट्स है दैट इज गोइंग टू बी 184 ईच बॉयज एंड गर्ल्स। सो दिस इज फॉर द ओपन मेरिट। उसके बाद अगर हम बाकी कैटेगरीज की बात करें, बाकी कैटेगरीज में भी यह डायरेक्टली RBA का 10% है, OBC का 8%, ALC का, ST का, ST पहाड़ी और SC, इसमें से आप जो है क्या कर लीजिए, आप 10% जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को जो सीट जाएंगे उसको माइनस करके बाकी आप देखिए किस हिसाब से सीट बनती है। जैसे कि 97 सीट्स इसमें से 9 हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को जाएंगी, तो टोटल रिमेनिंग सीट विल बी 88 फॉर द OBC, इट विल बी 71 फॉर द ALC, इट विल बी 35 फॉर द ST ओल्ड, इट विल बी 88 फॉर द ST पहाड़ी, इट विल बी 88 फॉर द SC, इट विल बी 71 सीट्स। सो इट जो मैं सीट्स बता रहा हूँ ये सब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को एक्सक्लूड करके जो है ये हमारे पास टोटल रिमेनिंग सीट्स हैं जो कि इन कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को मिलेंगी। सो दिस इज द होल सीट मैट्रिक्स फॉर द ओपन मेरिट एंड ऑल अदर कैटेगरीज। अब जो इस वीडियो का इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सब तो आपको पता होगा और मैक्सिमम चैनल्स पर आपने ये चीज़ें देखी होंगी कि इस तरीके से उन्होंने भी बताया होगा, क्योंकि ये चीज़ तो कहीं आपको कोई डिफरेंटली नहीं एक्सप्लेन करेगा, एक ही चीज़ है और
नोटिस पे सब क्लियरली मेंशन है, तो कोई आपको कोई डिफरेंट चीज़ नहीं बताने वाला। बट आपको मैं एक जो चीज़ जो मेरा पॉइंट है वीडियो को बनाने का, दैट इज़ मैं आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में समझाना चाहता हूँ कि इसका इंपैक्ट क्या है। देखो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है, जैसे कि बाकी कैटेगरीज ने पार्टिसिपेट किया जो है हमारे पास किसमें काउंसलिंग में, अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है, इसमें हमारे पास चार कैटेगरीज इंक्लूडेड हैं। कौन कौन सी, CDP है, PWD है, JKPM है और उसके बाद स्पोर्ट्स कैटेगरी है। ये चार कैटेगरीज क्या करती हैं, इनका टोटल सम होता है 2+4+3+7+1+8+9+10। तो टोटल हमारे पास इनका जो एडिटिव होता है दैट इज इक्वल टू 10% सीट्स। ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, 3% फॉर द CDP, 4% फॉर द PWD, JKPM का 1% और स्पोर्ट्स का 2%। ठीक, इसमें से क्या होता है कि ये कैटेगरीज अब जो 3% इनको सीट्स अलॉट होंगी, ये 3% अब जो है हर कैटेगरी में से ये लेंगे। यानी कि देखिए ओपन मेरिट CDP कैटेगरीज के टोटल जो है हमारे पास ओपन मेरिट से भी सीट लेंगे 3% और प्लस अदर कैटेगरी से भी 3% सीट्स लेंगे और टोटल जो सीट्स हो जाएंगी दैट विल बी 27। इसी तरीके से PWD जो है 4% सीट जो है ओपन मेरिट से लेगा, RBA, ST पहाड़ी, ST ओल्ड सब कैटेगरी से लेकर टोटल हमारे पास इसकी सीट जो हो जाएंगी दैट इज़ 35 सीट्स। JKPM की अगर हम बात करें तो 1% सीट जो हर कैटेगरी से लेगा और टोटल हमारे पास 9 कैटेगरीज है, तो 9 सीट्स हमारे पास इसको मिल जाएंगी। उसके बाद हमारे पास स्पोर्ट्स कैटेगरी की बात करें तो 2% सीट जो हर एक से लेगा। पिछली बार जो है 20% सीट थी स्पोर्ट कैटेगरी को, तो 20 सीट थी स्पोर्ट्स कैटेगरी को, लेकिन इस बार जो है 18 सीट्स है। तो लास्ट टाइम जो 20 सीट्स थी ओपन स्पोर्ट्स कैटेगरी को, इस बार जो इनको 2 सीट्स का लॉस देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको 18 ही सीट जो है स्पोर्ट्स कैटेगरी को जाएंगी। सो इस तरीके से क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इंपैक्ट द अदर कैटेगरीज। देखिए अगर आप यहाँ देखिए कि अगर इनकी कोई अपनी ही अगर इनको सिर्फ अपना ही 10% मिलता सो ये जो है उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करते, लेकिन क्योंकि 3% ये सिर्फ 3% 1083 में नहीं लेंगे बल्कि 3% ये हर एक कैटेगरी में ले रहे हैं, जिस वजह से हर एक कैटेगरी वाले स्टूडेंट को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर बेनिफिट की क्या बात है, बेनिफिट की ये बात है कि अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट जो है RBA प्लस CDP कैटेगरी का है, ठीक है, तो ऐसे तो RBA का कट ऑफ जो है हाई जाने वाला है, लेकिन अगर हमारे पास उसका CDP भी है देन हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के थ्रू जो है उसका कट ऑफ जो है 300 या 400 के अराउंड हो सकता है। सो दिस इज़ द बेनिफिट कि अगर कोई स्टूडेंट जो है उसके पास ओपन मेरिट का स्टूडेंट उसके पास ये कैटेगरी है देन उसको उतना ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। बट अगर कोई स्टूडेंट जो है जिसके पास दो ऐसी कैटेगरीज हैं जिसके जरिए से जो है उसका काटा बहुत कम भी हो सकता है, जैसे आप मैं कंसीडर करता हूँ PWD की, इसकी इतना ज़्यादा शेयर है 4% शेयर है, प्लस अगर हम इसमें डाल दें SC तो SC तो पहले ही काट ऑफ कम जाता है, प्लस PWD का 4% शेयर उसमें से आप ले लीजिए, तो इस तरीके से उसका उस स्टूडेंट का काट ऑफ जहाँ उसको 450 तक स्कोर करना था उसको जो है 350 पर भी कॉलेज मिल सकता है। सो इस दिस ये फ़र्क होता है एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का ऑन द काट ऑफ कि एक स्टूडेंट अगर उसके पास सिंपल कोई कैटेगरी है जिसका कट ऑफ हाई जाता है, जैसे RBA है, ओपन मेरिट है, OBC है, अगर उसके पास साथ में CDP या PWD या JKPM इनमें से कोई भी कैटेगरी होती है देन थ्रू द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वो जो है अराउंड 300-400 पर भी कॉलेज जो है अच्छा कॉलेज उसको जो है मिल सकता है। तो ये इंपैक्ट होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का, ये तो उनके लिए बेनिफिट है, लेकिन जैसे कि ये सब कैटेगरी से सीट ले रहा है तो इस तरीके से सब कैटेगरीज को नुकसान हो रहा है, दिस इज द डीमेरिट ऑफ द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। सो इस तरीके से जो है इस बार 98-99% जो इंशाल्लाह ऐसा ही आपको सीट मैटर जो है इस बार देखने को मिलेगा, जो कि अभी रिसेंट अब जल्दी ही रिलीज़ होने वाला है। और बहुत सारा स्टूडेंट जो है पूछ रहे थे क्वेश्चन कि आप बताओ काउंसलिंग जो है कब से स्टार्ट हो सकती है। सो एज़ पर माय प्रेडिक्शन 1-7 जुलाई के अंदर जो है आपका या इन्हीं 7 दिनों के अंदर जो है नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर आपको सीट मैटर्स देखने को मिलेगा, जैसे कि नोटिस रिलीज़ हो चुकी है कि अब कोई रीनीड जो है नहीं होने वाला है। सो अब जल्दी काउंसलिंग जो है रिलीज़ होगी, जैसे कि यहाँ पर हम MBBS स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर NMC गाइडलाइन को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, पहले तो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता था, लेकिन अब जैसे कि बहुत सारी वार्निंग्स के बाद जो है अब J&K के तमाम कॉलेजेस में जो है JKBOP भी अब जो है इस NMC की गाइडलाइन को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। सो इस वजह से क्या हो सकता है कि अब जो है जैसे कि अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ द NMC अब नया बैच जो स्टार्ट होने वाला है कब से, अगस्त से, ठीक है, अगस्त से। इसका मतलब जो है इनको अगस्त या सितंबर क्लियरली मैं मुझे अभी याद नहीं है बट ऐसा ही है। सो अगर इनको इसको फॉलो करना है देन विद इन 7 डेज जो है सीट मैटर्स इनको रिलीज करना पड़ेगा और विद इन फर्स्ट 10 डेज ऑफ जुलाई जो है काउंसलिंग का आपका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो अब काउंसलिंग में आपने कैसे करना है, क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत है, किस वक्त किस कौन सा एक्शन आपने लेना है, कॉलेज प्रेफरेंस आपकी क्या होनी चाहिए, इन सारे टॉपिक से मेरी अलग अलग वीडियो जो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। और ऑल आई एम डूइंग इज जस्ट हेल्पिंग यू गाइज इन
चूजिंग द परफेक्ट कॉलेज, क्योंकि इतना ज़्यादा स्कोर लाकर भी अगर आप कोई ऐसी मिस्टेक करते हैं काउंसलिंग में जिससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो देखना पड़ सकता है, तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ थ्रू दिस वीडियोज़। आपका काम, आपसे मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जो है शेयर कीजिए, ताकि मेरी वीडियो जो है हर एक स्टूडेंट तक टाइमली पहुँच सके और हर एक स्टूडेंट जो है राइटली गाइड हो। सो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जैसे कि हमारे साथ एक स्टूडेंट था, उसको जो है 637 मार्क्स थे एंड ही कैन 2022 की बात कर रहा हूँ मैं ईयर, तो उसको ईजिली जो जेएमसी श्रीनगर मिल सकता था, बट उसने क्या किया, उसने AIQ के थ्रू पार्टिसिपेट करके उसको सिक्किम मेडिकल कॉलेज मिल गया। इवन तो सिक्किम्स भी उसके लिए बहुत अच्छा था और अल्लाह की मर्जी थी, बट यहाँ पर इसका एफर्ट यह था कि इसने जो है यहाँ पर गलती की कि इसने 3637 जो है अगर स्टेट काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट किया होता तो इजीली सेकंड राउंड तक उसने वेट किया होता तो इजीली जीएमसी श्रीनगर उसको मिल जाता, बट उसको जो है सिक्किम मिल गया। सो इस तरीके की, अब मैं नहीं चाहता कि आप भी ब्लंडर्स करें, सो इसलिए मैं आपके लिए सब वीडियोज़ लाता हूँ। सो इन दिस वीडियो आई डिस्कस द टोटल सीट मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का क्या इंपैक्ट रह सकता है और बाकी कैटेगरीज को कैसे सीट डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, ये मैंने आपसे इस वीडियो में डिस्कस किया। बाकी आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, सो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में जो है लिखे कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं और मेरी वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके फीडबैक्स देखूं और आप मैं देखूं कि मेरी वीडियोस पे कहां पर आपको कमी नज़र आ रही है और कहां कहां पर मुझे ज़रूरत है कि मैं इंप्रूव करूं। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।